गाइस इट्स क्रिटलीन, वेलकम बैक टू सिद्धू व्लॉग। सो गाइस बहुत टाइम बाद मैं रिएक्ट कर रही हूँ सनाज बकेट की वीडियो पे। जब हमने रिएक्ट करना शुरू किया था तब मैं बहुत रिएक्ट करती थी इनके चैनल पे, एंड कुछ ट्रेंडिंग मीम्स हैं आज हम उनके ऊपर रिएक्ट करेंगे। सना अमीन की वीडियो है, सो डू चेक आउट दैट चैनल फर्स्ट। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करो। डोंट फॉरगेट टू टैप द बेल आइकन एज वेल। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आपने यहाँ पर भी फॉलो करना है। व्लॉगिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बहुत अच्छे व्लॉग्स डालती हूँ, डू चेक देम आउट। लेट्स गो। हाँ भाई, कैसे हो? कुकी हो? मैंने ना अपने बारे में एक चीज नोट किया कि मेरे मुंह से जब भी कोई मनहूस बात निकलती है ना, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो मैं से जो बहुत पुराने मेरे साथ हैं, उन्हें पता होगा कि मेरी कितनी दफा कोई हवा में तीर चलाया, हमेशा वही निशाने पे लगा। ये 10 दिन पहले की वीडियो में मैंने क्या बकवास की थी कि सऊदीया के जो हालात चल रहे हैं ना, बहुत जल्दी अल्कोहल भी ये लोग लीगल कर देंगे। देखो हुआ ना फिर वही, सऊदीया की हिस्ट्री में पहली बार इन खबीसों ने ये काम भी कर दिया। सोचो जब अल्कोहल को हराम किया गया था तो आयात आते ही मदीना की गलियां वाइन से भर गई थी, क्योंकि मुसलमानों ने आयात सुनते ही घर में पड़ी शराबों को बहा दिया था कि इसको हाथ भी नहीं लगाना। और इनके करतूते देखो, आराम से लीगल कर दिया। फिलहाल तो ये गैसलाइट कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए, लेकिन फिक्र ना करो, कुछ साल रुक जाओ, ये लोकल दुकानों में भी मिलेगी और सबको मिलेगी। लो पकड़ो, एक और मनहूस बात निकाल दी मैंने मुंह से। मैं सोच रही हूँ कि देखो, किसी को बददुआ करवानी हो, किसी के बड़े घर करवाने हो तो मुझसे राबता करे, ये मेरी जो सुपर पावर है ना, किसी के काम आ जाएगी। अब देखो ना, कल ही रात फतेह अली खान की एक वीडियो लीक हुई है जिसमें वो अपने मुलाजमों को रख रख के चपेड़े मार रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कहाँ है मेरी बोतल। आई होप ही इज आस्किंग फॉर पानी वाली बोतल। आजकल हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, तभी तो स्किन से नूर निकलता है। अब इस वीडियो को देख के ना मेरे अंदर की एक हसरत ने सर उठाया है। मुझे बड़ा शौक है किसी को ऐसे ही ढीले हाथों से चपेड़े मारूं। मेरा भी कोई एक आधा छोटा बहन भाई होता तो ये अरमान मैं पूरे करती। अब देख लो, एक और बात करने लगी हूँ मैं। कुछ दिन रुको, राहत फतेह अली खान की एक और वीडियो आएगी जिसमें वो माफी मांग रहा होगा और इसके मुलाजिम कह रहे होंगे कि तो हमारे सगे बाप से ज्यादा ये प्यार करते हैं तो उनका पीछा छोड़ दो। करने के आधे घंटे बाद ही राहत फतेह अली खान की वीडियो आई है। उसमें उसने कहा कि जो बोतल मैं मांग रहा था ना, वो पीर साहब के दम किया हुआ पानी की बोतल थी। खुद सुन लो। मेरी जुबान वाकई बहुत काली है, मेरे से ना बच के रही हो सारे। खैर, मेरा तो ये टॉपिक ही नहीं है, तुम्हें पता ही होगा तीसरी शादी की है। मेरा मसला इनकी शादी नहीं है, मेरा मसला है तुम पुफियों की सिलेक्टिव हिपोक्रेसी का। ना मुझे कोई ये समझाए कि इस शादी में और इस शादी से पहले होने वाली तलाकों में चार लोग इन्वॉल्व हैं, सानिया मिर्जा, शुएब मलिक, सना जावेद, उमर जसवाल। लेकिन ये सारी नफरत शुएब और सारी हमदर्दियां सानिया को क्यों मिल रही है? वैसे ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि सना को अभी तक किसी ने होम रैकर का खिताब नहीं दिया, वरना हमारी अवाम ये बैज उठा के फिर रही होती है और हर खातून को चस्पा कर रही होती है। सानिया मिर्जा को देखो, बंदी चिल अपनी जिंदगी जी रही है, उसको हमदर्दियां बांट रहे हो। यार कोई उमर जसवाल को भी मुंह लगा ले, उसको भी कोई पूछ ले, उसकी भी इतनी तलाक हुई है जितनी सानिया मिर्जा की हुई है। पर क्योंकि सानिया मिर्जा लेडीज है तो उसको विक्टिम बना दिया गया है। वो विक्टिम है या नहीं है ये हमें नहीं पता। सारे सेलिब्रिटीज आके सानिया यू आर सो स्ट्रॉन्ग, मोर पावर टू यू, यू आर सच अ ब्रेव सोल। उमर जसवाल क्या करे, वो ब्रेव सोल नहीं है, है वो पंखे से भी लटक जाएगा ना। तुम लोगों ने उसको उतनी अटेंशन नहीं देनी जितना सानिया मिर्जा को दी है। एक दफा हीरा मानी ने क्या फरमाया था, मर्द बड़ी प्यारी चीज है, उसको भी तो समझो। कोई समझो, उमर जसवाल को भी कोई समझो, कोई उसको भी अटेंशन दे दो बेचारे को। मेरी बात सुनो, क्यों इतना शौक है तुम लोगों को बीच में घुसने का? मैंने देखा लोग कमेंट्स में लड़ रहे हैं कि सानिया इतनी अच्छी थी, उसको क्यों छोड़ा, तो जीते। तुम्हें कैसे पता? नहीं, तुम्हें अगर तो उन दोनों ने खुद कॉल करके बताया कि मसला ये हुआ था तो फिर तो ठीक है, वरना मुझे मत बताओ कि इनका रिलेशनशिप कैसा था। हम तो जाते हैं सीधा किरदार पे, पहले औरत के, और अगर आदमी फेमस है तो फिर उसके। पहली बात ही मुंह से निकलती है गल विचो कोई हो रहा है, किसी ना किसी का चक्कर चल रहा होगा। अब्बा के घर में बैठे हुए जॉब प्लस लूजर्स टांग पे टांग रख के आराम से बोहतान लगा देते हैं। छोड़ दो भाई, अगर हम दर्दी दिखानी है ना तो चारों को इक्वली दिखाओ, वरना अपनी नाक अपने तक रखो। किन कामों में पड़ी रही है यार पाकिस्तानी कौम, मुझे तो हैरानी होती है सेलिब्रिटीज में क्यों घुसे रहते हैं। कोई खबर है पाकिस्तानी पासपोर्ट 2024 में कमजोर तरीन पासपोर्ट में से एक है? इन्हीं सेलिब्रिटीज में घुसे रहे ना तुम लोग, तो बाहर से कोई आके चीर फाड़ के चला जाएगा और तुम लोग हानी आमिर के डिम्पल्स की गहराइयां नापते रह जाओगे। होश करो, काफी दिनों से देख रही हूँ पाकिस्तान से, पहली बार कोई बाहरले मुल्क जाके वहाँ के लोगों के दिमाग खोलने की कोशिश कर रहा है और बाहर मुल्क वाले ज्यादा कान खोल के सुन रहे हैं। मैं साहिल अतीम के टूर की बात कर रही हूँ, तुम लोग अगर उन्हें फॉलो करते हो तो तुम्हें पता ही होगा, अपडेट्स तुमने देखी होंगी। वो सारे लोग जो फैंसी मौलवियों के डाइल्यूटेड इस्लाम के मंजन से तंग आ चुके हैं, सब भाग भाग के इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, और ये भी नहीं कि इवेंट में आए, लेक्चर लिया और चले गए। जिंदगी को लेके सीरियस लोग इवेंट अटेंड करके दिमाग चलाते हैं और मसलों का हल निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने कितनी इनकी वीडियोस में देखा है कि बार बार एक ही बात कर रहे होते हैं, किस मिशन को लेके चलते हुए मैं मर जाऊंगा। मुझे बड़ा दुख होता है, एक बंदा बाहर जाके आराम से कोई
कोई भी बात कर सकता है, लेकिन अपने मुल्क में उसको जान का खतरा रहता है। मैं सिर्फ यूके की बात नहीं कर रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में भी पहले टूर्स हो चुके हैं। हैरानी वाली बात यह है कि एक बंदा अपने मुल्क में खप रहा है, लेकिन मुल्क की आवाम शुएब मलिक की तीसरी शादी में घुसी हुई है, और वही बंदा मुल्क से बाहर जाके आइडेंटिटी की बात करे तो सब ध्यान से सुनते हैं। यार क्या मसला है हमारे साथ? हम अब नॉर्मल है, हम तारे जमीन वाले ईशान है, मसला क्या है हमारे साथ? हम क्यों इस तरह जिंदगी गुजारे जैसे जन्नत का टिकट आदमी लेके पैदा हुए थे? और सोचना समझना तो हम पे हराम ही हो गया। पाकिस्तानी पासपोर्ट का कुछ कर लो, नीचे गिर गया उठा लो उसको, सहलदीन के IMS को ज्वाइन कर लो, शायद किसी काम आ जाओ। जिनको सेलिब्रिटी बनाना चाहिए उनको तुम लोगों ने स्टोर में बंद किया हुआ है, जिनको घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए वो पपराजिस के बीच में घूम रहे हैं। अपने सेलिब्रिटीज ठीक कर लो, किन लोगों को सेलिब्रेट करना है अकल को हाथ मारो, और आखिरी जो ब्रेन सेल्स बच गया है उनको किसी काम में लाओ, ताकि कल आने वाले तुम्हारे टिड्डे तुम्हें बद्दुआएं ना दे रहे हो कि माँ ने आयजा खान के ड्रामे देख के जिंदगी बर्बाद की और बाप ने टॉक शोज देखे। खैर बद्दुआओं से याद आया, सना जावेद और शुएब की शादी के बारे में ना मेरी गट फीलिंग्स मुझे कुछ कह रही है, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं। अगर वो मुझे गिल्टी सा फील होगा, लेकिन मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है शादी के बारे में, मैं नहीं बोल सकती। खैर तुम लोग ये बताओ कि सना जावेद ने बाकी औरतों की तरह निकाह नामे पे साइन करके तीसरे सेकंड ही अपना नाम क्यों बदल लिया? मुझे समझ नहीं आती औरतें शादी के बाद अपना नाम क्यों बदल लेती हैं। अपना नाम चेंज करने की क्या लॉजिक है मुझे ना, नीचे जरा कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था, मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ब्यूटीफुल, अच्छी वीडियो है। आई अंडरस्टैंड क्यों क्या कह रही हैं कि आपने सान्या को विक्टिम बना दिया। ऑब्वियसली किसी को विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए, बट वही कि लोगों को पहले भी ये चीज़ को बहुत आई थिंक पसंद नहीं आई थी कि शोएब मलिक की शायद रेपुटेशन नहीं अच्छी होगी या कुछ भी। एंड आई थिंक सना जावेद भी ना बहुत लव्ड नहीं है, दैट इज़ वॉट आई फील, कि वो काफ़ी हेटेड सेलिब्रिटी हैं। जो मुझे चीज़ रियलाइज़ होती है कि उनका कुछ पीछे से एपिसोड हुआ था, जूनियर आर्टिस्ट ने उनके खिलाफ बड़ी कंप्लेंट की थी, बड़ी आवाज़ उठाई थी कि ये बहुत इल ट्रीट करते हैं अपने को स्टार्स को। तो उसके बाद एक वेव ही चल पड़ी थी अगेंस्ट सना जावेद, तो इसलिए दोनों काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल लोगों की शादी होगी ना, इसलिए आई थिंक इतना टॉक ऑफ द टाउन बन गया वो, एंड मोस्ट पीपल डिड नॉट इवन नो अबाउट देयर रिस्पेक्टिव डिवोर्सेज। और राहत फतेह अली खान को हम इतना पसंद करते हैं, इतना हम देखते हैं, बट ही वॉज मर्सिलेसली वो मार रहे थे किसी को जूतियों से, एंड वीडियो वो आउट होगी फॉर सम रीज़न। बाद में उन्होंने जो भी डैमेज कंट्रोल करने की ट्राई की, बट आई डोंट नो कितना सच था कितना नहीं, बट हमारे सामने है। और एक बात जो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ सना अमीन की, वो यही है कि हमें वी शुड चूज़ हु आर हीरोज शुड बी, किनको हमने सेलिब्रेट करना है, किनको हमने वो इम्पोर्टेंस देनी है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट की, एंड आई अग्री विद दैट। सो गाइज, दिस इज माई रिएक्शन, दिस इज सिद्धू ब्लॉग साइनिंग ऑफ। आई लव यू गाइज।